नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल लेट्स एक्सप्लोर टीवी पर। दोस्तों, आज हम आपको लेकर जा रहे हैं यूरोप के एक बेहद ही खूबसूरत देश हंगरी। हंगरी देश की नींव 9वीं शताब्दी के अंत में रखी गई थी। हंगरी देश अपनी सीमा रोमानिया, स्लोवाकिया, यूक्रेन, सर्बिया और क्रोएशिया के साथ शेयर करता है। हंगरी देश की जनसंख्या 97 लाख है और वो देश का जनसंख्या घनत्व 107 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। देश का कुल क्षेत्रफल 90,530 प्रति वर्ग किलोमीटर है और देश में 72% लोग शहरी क्षेत्रों में और 28% लोग ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते हैं। क्या आपको पता है कि बुडापेस्ट में बना हंगरी संसद भवन दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी संसदीय इमारत है और इसे यूरोप में सबसे पुरानी विधायी भवनों में भी गिना जाता है। दोस्तों, क्रिप्टन इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार भी हंगरी के नागरिक इम्रे बॉडी ने सन 1930 में किया था। हंगरी को वाइन कंट्री के नाम से भी जाना जाता है। ये देश 20 अलग अलग तरह के वाइन का उत्पादन करता है और उसे निर्यात भी करता है। हंगरी देश की राजधानी बुडापेस्ट है। रोम के पतन के बाद संभवतः हंस पैनोनिया के मैदानों में बस गए और फिर इन्होंने नाम दिया हंगरी। हंगरी देश को पढ़े लिखे लोगों का देश भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ की साक्षरता 99% है। क्या आप जानते हैं कि पैक्स का विश्वविद्यालय हंगरी का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है, जिसे साल 1367 में स्थापित किया गया था। हंगरी में 22 अलग अलग वाइन रीजन और 8 प्रकार की ग्रेप्स वैरायटी पाई जाती है। यही कारण है कि हंगरी को वाइन कंट्री भी कहा जाता है। इस देश में 96 अंक को शुभ माना जाता है। इसका कारण ये है कि 1896 में हंगरी देश की स्थापना हुई थी और सन 1896 में बुडापेस्ट में बुडापेस्ट मेट्रो की स्थापना हुई थी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि विटामिन सी के खोजकर्ता अल्बर्ट सर्जेंट और ग्लोटी का जन्म भी हंगरी में ही हुआ था। दोस्तों, हंगरी देश के लोग फुटबॉल भी बहुत अच्छा खेलते हैं। आपको बता दें कि लेजेंड फेरेक अब तक के शीर्ष फुटबॉलर्स में से एक है। इस देश में धूम्रपान करने वालों की संख्या के मामले में अगर बात करें तो हंगरी ग्रीस और बुल्गारिया के बाद तीसरे स्थान पर आता है। आपको पता है कि 27% वैट हंगरी में एकत्र किया जाता है, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है। इसी के साथ साथ एक बेहद ही चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आया है, यहाँ सबसे ज्यादा महिलाएं आत्महत्या करती हैं। हंगरी में ही दुनिया की सबसे पुरानी मेट्रो रेलवे है, जो कि 1896 की है। हंगेरियंस लाल मिर्च पाउडर के बहुत शौकीन हैं और लोग बहुत तीखा खाना यहाँ पसंद करते हैं। दोस्तों, हंगरी देश के लोग दिल के बेहद ही नाजुक होते हैं और यही कारण है कि हंगरी दुनिया भर में सबसे ज्यादा आत्महत्या यानी कि सुसाइड करने वाले देशों में दूसरे नंबर पर आता है। दोस्तों, हंगरी के नागरिकों ने एक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। अब आप सोच रहे होंगे कि वो वर्ल्ड रिकॉर्ड कौन सा है। वो वर्ल्ड रिकॉर्ड है किसिंग का। जी हाँ, 6,400 से अधिक कपल्स साल 2007 में बुडापेस्ट के पार्लियामेंट बिल्डिंग के बाहर इकट्ठे हुए थे और लिप लॉक करने के लिए ये लोग इकट्ठा हुए थे और यहाँ पे इन्होंने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया था। दोस्तों, इस देश में बियर चीयर्स करके पीना मना है। इसका कारण ये है कि एक लड़ाई में हंगरी सेना ऑस्ट्रिया सेना से हार गई थी और ऑस्ट्रिया की सेना ने हंगरी की हारी हुई सेना के आगे बियर को चीयर्स किया था और अपनी जीत मनाई थी। उस दिन से ही इस देश में बियर को चीयर्स करके पीना बिल्कुल मना है। हंगरी के लोगों को दिमागी लोग भी कहा जाता है। जी हाँ, उन्होंने अब तक की सबसे लोकप्रिय और उपयोगी चीजों में से कुछ का आविष्कार किया है, इसलिए ये संज्ञा उन्हें दी गई है। हेलीकॉप्टर, बॉल पेन और रूबिक क्यूब सभी हंगेरियन आविष्कार है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हंगरी भी 50 देशों में से एक है जो औद्योगिक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में दुनिया का नेतृत्व करता है। साथ ही यहाँ पे अपनी मूल भाषा के अलावा अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच बोली जाती है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद देश में कम्युनिस्ट शासन प्रमुख हो गया था और 1980 के दशक के अंत तक देश पर 18 बिलियन का बकाया था, जो यूरोप में सबसे अधिक प्रति व्यक्ति ऋण था। हंगरी 1999 में नेटो और 2004 में ईयू में शामिल हुआ था। आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों कि यहाँ पर रोमन, ग्रीक और तुर्की वास्तुकला वाले 1500 से अधिक स्पा हैं। दोस्तों, इस देश को अमीरों का घर भी कहा जाता है। ये देश बेहद ही खूबसूरत है।
इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जहां एक ओर बर्फ से ढकी हुई पहाड़ियां हैं, तो दूसरी ओर नदियों का विशाल संगम। यही कारण है कि रोमानिया की गोद में बसा हंगरी यहां के हसीन नजारों पर हर कोई फिदा है। इस कारण दुनिया भर से लोग यहां घूमने आते हैं। बुदा कैस्टल, बुदापेस्ट हंगरी का बहुत प्राचीन महल है, जिसे 1676 ईस्वी की घेराबंदी के दौरान नष्ट कर दिया गया था। 17वीं शताब्दी में हैबसबर्ग राजशाही के लिए फिर से बनाया गया था और इसमें 200 से अधिक कमरे हैं और यहाँ यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। ये है टिहनी झील, हंगरी की सबसे लोकप्रिय जगहों में से एक है। ये मूल रूप से एक द्वीप है जिसकी खूबसूरती बेहद ही अलौकिक है। समुद्र के किनारे वैसे तो इस द्वीप की सुंदरता अविश्वसनीय है, लेकिन जब आप यहाँ आएंगे तो आपको यहाँ एक अलग ही अनुभव मिलेगा। फूलों की खुशबू में आप मदहोश हो जाएंगे। सोप्रॉन वेना से सिर्फ 64 किलोमीटर दूर और आल्पस की पूर्वी तलहटी के पास ऑस्ट्रेलिया की सीमा से 8 किलोमीटर दूर यह स्थित है। यहाँ की खास बात यह है कि यहाँ की इमारतें बेहद ही खूबसूरत हैं और बहुत ही अट्रैक्टिव, जिसके कारण यहाँ पे टूरिस्ट की भीड़ रहती है। दोस्तों, हंगरी के सफर में बस इतना ही। आप हमको जरूर बताइएगा कि आप हंगरी घूमने कब जा रहे हैं, और साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और शेयर भी। अगले वीडियो में हम दोबारा आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।